वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। माता रानी के सभी सच्चे भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन नव दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ वृषभ पे यानी कि बैल की सवारी करती हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। अपने पूर्व जन्म में वो प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब उनका नाम था सती और उनका विवाह हुआ था भगवान भोलेनाथ के साथ। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसा हुआ कि माँ सती जो है वो शैलपुत्र के रूप में जन्म लेती है। और दोस्तों, इसी से जुड़ी कथा उपनिषद में वर्णित है। कहते हैं, नवरात्रि के पहले दिन जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है, माँ की कृपा से जीवन में उसकी कोई संकट या कष्ट नहीं रहते हैं। तो चलिए सुन लेते हैं दोस्तों माता रानी की वो कथा। साथ ही दोस्तों, आप नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री के मंत्र ओम देवी शैलपुत्रे नमः का यथाशक्ति जाप जो है वो जरूर से करिए। तो पहले सुन लेते हैं कथा। दोस्तों, कथा सुनने के साथ ही आपने माता रानी के नाम का जयकारा जरूर से लगाना है और कमेंट में जरूर से कहना है जय माता दी। तो चलिए सुनते हैं कथा। एक बार की बात है, प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवी देवताओं को जो है आमंत्रित किया अपना अपना यज्ञ भाग लेने के लिए, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। अब सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत ही विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहाँ जाने के लिए उनका मन भी व्याकुल हो उठा। तब उन्होंने अपनी ये इच्छा भगवान शंकर जी के सामने रखी। सारी बातों पर विचार करने के बाद भगवान शंकर जो सती से कहते हैं कि प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे नाराज हैं और इसीलिए सभी ये देवी देवताओं को उन्होंने यज्ञ में आमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहाँ जाना किसी भी प्रकार से श्रेयस्कर नहीं होगा। अब शंकर जी के इस उपदेश से सती जो है वो दुखी हो गई। पिता का यज्ञ देखने वहाँ जाकर माता बहनों से मिलने के लिए व्याकुल हो उठी और उनकी ये प्रबल इच्छा जो है वो शंकर जी के सामने आ रही थी। तब जाकर शंकर जी ने उन्हें आखिरकार जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बात भी नहीं कर रहा है, सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं, केवल उनकी माता जो है वो स्नेह से उनसे बात कर रही है, उन्हें गले लगाई हैं और बहनों की बातों में भी व्यंग्य और उपवास के ही भाव थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत दुख पहुंचा। उन्होंने ये भी देखा कि वहाँ चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव है, दक्ष ने उनके प्रति बड़े अपमानजनक शब्द भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय शोभ ग्लानि और क्रोध से भर उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मानकर उन्होंने अपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी और वे अपने पति शंकर भगवान का अपमान सहन ना कर सकी और उन्होंने अपने उस स्वरूप को उसी क्षण योगाग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुख करने वाली इस घटना को सुनकर शंकर जी क्रोधित हो उठे और अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती की ने जो है वो योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया था और वही सती जो है वो हिमालय राज शैलराज हिमालय राज की पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं और हिमालय राज के पुत्री के रूप में जन्म लेने के नाम के कारण ही उन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना गया और उन्हें पार्वती और हेमवती भी कहा जाता है। दोस्तों, उपनिषद की कथा के अनुसार उन्होंने ही हेमवती स्वरूप से देवताओं का जो घमंड है उसको तोड़ा था। कहते हैं दोस्तों, जो इस कथा को सुनता है उसके जीवन में कहीं कोई क्लेश नहीं रहता, कष्ट नहीं रहता और माँ शैलपुत्री की कृपा से उनके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, नवरात्र के समय में जब पूजा करें तो माँ के जो मंत्र है उसको आप जरूर से बोलें, या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी।